नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए बात करेंगे यूपी एपीओ। काफ़ी देखिए ये प्रश्न, देखिए जो हम वीडियो बनाते हैं ये सिर्फ जैसे अभी यूपी एपीओ के लिए बता रहे हैं, तो ये उन्हीं छात्रों के लिए हैं जो छात्र अधिकांश हमसे पूछते रहते हैं कि क्या सर यूपी एपीओ में क्या सीट बढ़ेगी, क्या पदों की संख्या बढ़ेगी क्या। तो हम आप सभी लोगों को बता दें कि हाँ, पदों की संख्या इसमें बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी, कितनी हो जाएगी, कब तक होगी, क्या कैसे, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम डेट था वो अभी था, फिर कैंसिल हुआ, फिर गया है आगे नेक्स्ट मतलब अगले महीने में ही। तो आपको बता दें कि अगले महीने का मतलब आप सभी लोग ये मत निकाल दीजिएगा मैं कह रहा हूँ जून, तो जुलाई में गया है, मतलब डेट टला हुआ है तो गया है जिस डेट में गया है, तो उस डेट को ले करके पहले तक एग्ज़ाम होने तक और रिजल्ट आने तक में पदों की संख्या पूरी की पूरी बढ़ने के चांसेस हैं। और बता दें कि ये एक अपडेट मिल रही है कि हाँ, तो जैसे ही क्लियर हो जाएगा कि यूपी एपीओ में पदों की संख्या कितनी बढ़ने वाली है, क्या हुआ है, कहाँ से अधियाचन मिला है, सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत पहले मैंने आप लोगों को पीसीएस जे और एपीओ के लिए अधियाचन वाली जो मुख्य नोटिस थी वो भी मैंने दे करके आप लोगों को बता दी थी। तो आने वाले समय में भी कितनी बढ़ेगी, कहाँ से आ रही, कैसे हो रही है, ये भी अपडेट दूंगा। लेकिन आप तो लोग निश्चिंत रहें बिल्कुल कि पदों की संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। काफ़ी चिंतित हैं कि सामान्य के लिए 8 है और इतने कम सीट हैं ऐसे वैसे, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें पद की संख्या इसमें बढ़ेगी। तो इसको लेकर के एक हमने आपको दिलासा देने वाला वीडियो समझ लीजिए, जैसे भी समझ लीजिए, इसकी जानकारी को लेकर के इस वीडियो को देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पर्सनली भी लोग बहुत पूछ रहे हैं और कमेंट करके भी काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, जो कि कुछ ही लोग हैं, तो उनके भी बातों को नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो हर एक व्यक्ति, क्योंकि हमारे चैनल पर जो भी लोग हैं वो परिवार की तरह हैं और महत्वपूर्ण हैं, तो बाकी आप सभी लोग को बता दें बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी लोग को डेली देना। आज का दोस्त संडे का दिन था, पूरा चला गया है, एक यहाँ पे कुंडा आए हुए थे प्रतापगढ़ मनगढ़ थोड़ा भक्ति मंदिर घूमने को लेकर के, तो आज ही हमको कुछ अपडेट देना था। फिलहाल हम कल से शुरू करते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्त यार से शेयर कर दें। कुछ लोग आएंगे उनको लगेगा कि क्या बताया इसने यार, फर्जी वीडियो दिया, बस यही था बात, मेन बात ये था कि आपको दिलासा और शांति देने के लिए बिल्कुल बने रहें, ठीक है, धैर्य बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।